क्या हाल चाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरवी। तो नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तुम्हारे माना भाई जी थोड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आज की वीडियो थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा, फ्री 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 डीएसपी वो नहीं है दोस्तों, माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। बस एक दो सॉफ्टवेयर बताऊंगा कि जो पाइनियर के जो डीएसपी होते हैं हमारे, 7200 हो गया, 7600 हो गया, 9200 हो गया, 7650 हो गया, P9 हो गया, बहुत सारे मॉडल्स हैं। अब तो ध्यान में भी नहीं आ रहे दोस्तों, तो ध्यान ना आने के लिए मैंने चैनल को सब्सक्राइब करता रहा करो, जिससे मेरे आपका प्यार दिखता रहेगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो नई नई वीडियोस भी आती रहेंगी। फिलहाल वैसे भी मैं नई नई वीडियोस डालता रहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल हम बात कर रहे थे डीएसपी यानी कि क्या चीज है। मेरी जो मेरे पुराने जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है कि पाइनियर का एक डीएसपी आता है, डिजिटल साउंड प्रोसेसर। भले कि साउंड को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है, उसके जो 3-4 कॉन्सर्ट हॉल हो गया, क्लब हो गया, ओपन एयर हो गया, मतलब कि ये 6-5-6 ऐसे फीचर्स हैं जो कि एक साउंड को एक है बस गाड़ी को एक यूनिक साउंड सिस्टम में ले जाता है। यानी कि बंदा बैठता है एक बार जरूर बोलता है अपनी गाड़ी में दोबारा बैठने की, नॉर्मल जिसके में लगा हुआ है, चाहे बेशक SQ लेवल या कैसा भी लगाओ, लेकिन जब डीएसपी वाली गाड़ी सुन लेता है तो फिर मजा ही कुछ और होता है। और फिलहाल ये महंगे भी आते हैं, क्योंकि पहले 90s के टाइम पे ये हुआ करते थे, 2002 के अराउंड ये शायद ये बंद हो गए थे, तो उस टाइम पे जो इसके प्राइजेस वगैरह थे नए के 12-12.5 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाती थी, कोरे नए भी थोड़े सस्ते भी मिल जाते थे। लेकिन अब जिस हिसाब से कहते हैं ना कि जब चीज मार्केट के अंदर खत्म हो जाती है तो उसके बाद दाम बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, और जब जैसी डिमांड बढ़ती है तो भी दाम स्टार्ट प्राइस हाइक हो जाते हैं। तो बस वही चीज है, हमारे जो डीएसपीज होते हैं वो चालू हो जाते हैं 12-13 हज़ार रुपये से पुराने, और फिर तो यार मॉडल के हिसाब से है, 50 हज़ार का भी जाता है, 60 हज़ार के भी जाते हैं, प्रोसेसर्स वगैरह होते हैं वो भी 25-26 हज़ार रुपये के आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा टच देने के लिए तो आज की ये वीडियो है कि मैं एक दो सॉफ्टवेयर ऐसे आपको बताऊंगा जिसमें आप 19-20 तो नहीं कहूंगा, बहुत फर्क आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को आप छू सकते हो, सुन सकते हो, एक सुरीला साउंड अपनी गाड़ी का यूनिक सा बना सकते हो वो चीज चला के। हाँ, अगर किसी के पास सैमसंग के गैलेक्सी मॉडल्स हैं, यानी कि 9 के ऊपर जो भी मॉडल्स है उसके अंदर तो सैमसंग ऑलरेडी कॉन्सर्ट हॉल का ऑप्शन देता है डॉल्बी ऑटम्स के हिसाब से, एटमोस के हिसाब से। तो चलते हैं, तो अब तक मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके आगे लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस मेरी यूं ही आपको मिलती रहे। तो अपने फोन को रेडी कर लो, 2-3 सॉफ्टवेयर हैं, बताता हूं कैसे ऑपरेट करना है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा आपको। तो पहला ऐप है मेरा वही साउंड ट्यून का, हमारा पाइनियर की साइट से है ये, यानी कि जो ये वाला ऐप हमारा SQ1000 जो DSP आता है उस पर बहुत अच्छा तरीके से वर्क करता है। पहले ये चलता नहीं था नॉर्मल भी, फिलहाल अब नॉर्मल भी अब ये चलने लग गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर कॉन्सर्ट हॉल मिल जाता है, ओपन एयर मिल जाता है, क्लब मिल जाता है और कैफ़े मिल जाता है। प्लस इसके अंदर आपको ये 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं पाइनियर की तरफ से, सुपर बेस, पावरफुल, वॉकर, टुडुरोकी, डायनामिक, विविड और फ्लैट और कस्टम ए, मतलब कि आप अपना इक्वलाइजर भी इसी से सेट कर सकते हो। तो ये कुछ सारी चीज़ें ऑप्शन है, लेकिन मेन हमारा जो वीडियो का मोटिव है वो हमारा डीएसपी के कहीं ना कहीं क्लोज आना। तो ये मैं फिर साउंड को ऑन करता हूँ, तो कोई एक प्ले करते हैं जिसमें नॉन कॉपीराइट का कुछ ड्रामा ना रहा है मेरे को। तो ये थोड़ा आगे चल जा चुका है हमारा सॉन्ग ऑन, तो एक सर्टेन अमाउंट करते हैं, फोन आ गया, पहले हम फोन उठा लेते हैं उसके बाद में फिर वीडियो बनाते हैं। सो दोस्तों फोन ने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया था, फोन बहुत आते हैं, तो फिलहाल हम चलते हैं, माफी चाहूंगा मैं। तो ये ऑन, हेडफोन्स पहन लेना। तो सबसे पहले कौन सा ढोल करते हैं, ये
दोस्तों पहले वाला ये था, तो कहीं ना कहीं कॉन्सर्ट हॉल के अंदर थोड़ा इफेक्ट आ रहा था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही इको, कुछ ज़्यादा ही साउंड था, मतलब कुछ समझ में कम आ रहा था, जहाँ बीट्स आ रही थी वहाँ पे थोड़ा लैग कर रहा था। हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये अपना जो इसका DSP जो आता है साथ में, इस जो कंपैटिबल है उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है। तो ओपन एयर भी ठीक था, ओपन एयर अच्छा था, क्लब और कैफ़े भी ठीक ठाक थे, यानी कि अगर मैं इसमें नंबर दिया जाऊँ तो 10 में से 4 दे सकता हूँ, वो भी मैं रो रो के। तो अब अगला चलते हैं, अगला हाँ है हमारा जेट ऑडियो। ये बहुत बढ़िया लगा इस वाले ऐप में मेरे को, मतलब कि इसमें मैं अपने सराउंड को अपने सुनने के हिसाब से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, मतलब कि अपने सराउंड लेवल को हम एडजस्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं तो मैं धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगा। हमारे जेट ऑडियो के इसके अंदर थोड़े आपको एड्स वगैरह दिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये है, ऐसा इंटरफेस रहेगा, और आपको गाना ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बार्स वगैरह इक्वलाइजर वाले, तो आपको इधर जाना है। तो मैं ऑन कर देता, मैं पहले ऑन चला ही जाता हूँ, तो ये आएगा ऐसे ऑप्शन, इक्वलाइजर आ जाएगा, जेट ऑडियो साउंड इफेक्ट के अंदर आपको जाना है, बाकी और चीज़ें भी दे रखी हैं। फिलहाल हमारा मेन मोटिव अभी जेट ऑडियो साउंड इफेक्ट है, तो मैं गाना ऑन करता हूँ, और तो ये जेट ऑडियो पे आ गए हम, तो अभी ये ऑप्शन ऑन है, तो आपको हॉल दिख रहा होगा इसके अंदर। मैं एक बार गाना रोक देता हूँ, तो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक्स बेस है, एक्स वाइड है, हमारा हॉल हो गया, AGC हो गया। इसके अंदर आप थोड़ा सराउंड को और बढ़ा सकते हो, वॉल्यूम लाउड, और हमारा पिच हो गया, पिच के अंदर मतलब वो चीज़ के इफेक्ट्स डाल सकते हो, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मेरे को अच्छा लगा, वन ऑफ बेस्ट है जो DSP की प्रॉपर साउंड आपको दे जाता है कहीं ना कहीं। तो अब हमारी बारी है गाने को ऑन करना, तो ये स्टार्टिंग से, तो नॉर्मल हो गया, जैसे ही बढ़ाओगे आप सराउंड को अपने हाथ में रख सकते हो, मेरे को और सराउंड चाहिए। ये बढ़ाओगे लाउडनेस बढ़ जाएगी इससे थोड़ा इको। आपको पिच बढ़ानी है, कम करनी है, बेस कंट्रोल कर सकते हो इसमें, परफेक्ट, बहुत मजा आ रहा है। अरे वाह, तो इतना मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल बहुत है इस वाले ऐप के लिए, क्योंकि ना मेरे को फिर कॉपीराइट के तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये हॉल आप मेन ये है हमारा, आपको हॉल को ऑन करना है, बाकी आप एडजस्ट कर सकते हो जैसी ऐप चलाओगे। मुझे लग रहा है कि मुझे एक्स पे इस पर पूरी एक वीडियो बना देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऐप है। तो चलो, ये सेकेंड ऐप थी, अब मैं एक लास्ट एंड फाइनल दिखा रहा हूँ आपको, तीसरी ऐप पावर एम्प। वो थोड़ा पेड वर्जन लोगे तो ज़्यादा बेटर है उसका, फिलहाल मैं वो भी दिखा देता हूँ। फिलहाल वो थोड़ा, अगर आप उसको हैक कर सकते हो तो हैक भी हो जाता है, तो वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि कुछ इशू हो जाएंगे। तो मैं पावर एम्प पे चलते हैं, तीसरी और लास्ट एम्प, और तीसरी ये वाली, वो चार कर दी थी, तीसरी फाइनल है हमारी पावर एम्प। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा पावर एम्प है, ये अवेलेबल है एंड्रॉयड पे, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको इसमें जाना है, अपने कोई भी फाइल वगैरह जो भी आपको पसंद है वो आप प्ले करें। तो मैंने ये प्ले कर दिया, तो जल्दी प्ले कर दिया मैंने। तो आपको मैं ऑप्शन बता देता हूँ, आपके इसके ग्राफिक्स का बटन आ रहा है, तो आपको उसके अंदर जाना है। तो आप ऊपर देख रहे होगे, ये तीन ऑप्शंस है हमारा,
एक इक्वलाइजर खुल जाएगा आपका, तो इसके अंदर बहुत सारे प्रीसेट्स वगैरह आपको दे रखे हैं, तो आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन मेन हमारा वीडियो का है, हमारा DSP वर्जन का। तो आप सेकंड में जाओगे तो सेकंड में भी आपको कहीं एक इफेक्ट मिल जाएगा आपको स्टीरियो एक्सपेंड का, तो इसके अंदर भी एक इफेक्ट आ जाता है DSP का कहीं ना कहीं। तो मैं गाने को ऑन करता हूँ। तो इस वाले ऑप्शन में आपका जो थोड़ा सा आपका जो गाने का इकोनेस होता है, थोड़ा सा साउंड बढ़ जाता है और अपने और कानों को थोड़ा प्लेजेंट, बढ़िया सा सुरीला सा लगता है। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो मैं मानव को बोलूँगा एक बार थोड़ा म्यूट का ऑन कर दें, इसको हम 0। तो इस पे आ गए हम। तो इस पे आपको वर्ब पे जाना है। तो वर्ब पे जाते ही आपके सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे और उसके बाद में वर्ब के साथ में ये आपको ऑडिटोरियम वगैरह ये आपको दिख जाएगा। तो ये गए हम, तो यहाँ पे इको, ग्रेट हॉल, लाइट वर्ब और ये स्मॉल हॉल, ये स्टेडियम, स्टूडियो, ये सारा प्रॉपर दे रखा है। ये वन ऑफ मेरा बेस्ट ऐप है जिसके अंदर DSP आप बहुत अच्छे से सुन सकते हो। तो मैं अब प्रैक्टिकल एक साउंड चलाता हूँ। तो ये इफेक्ट्स थे इसके अंदर। बाकी आप इसके अंदर अपने जो साउंड्स हैं, हमारे डैम्प हो गया, फिल्टर हो गया, फेड हो गया, आप चूज कर सकते हो कि कितना रखना है आपने। तो आखिरी के जो दो थे, हमारा पावर एम्प और हमारा जेट ऑडियो बेस्ट है आपके। वैसे तो बहुत सारे आपको एप्स मिल जाएंगे लेकिन ये वन ऑफ बेस्ट है मेरी कलेक्शन के। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सबसे ही अच्छे हैं, मुझे जो अच्छे लगते हैं मुझे, और क्योंकि फ्रेंडली यूज है इसके, जो हम इक्वलाइजर वगैरह हैं बहुत इजीली, जिनको आता है चलाना बहुत इजीली हम सेट कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। और जो ज़रूरी नहीं है ये सबके लिए ये वाले ऐप्स, मतलब कि स्पेसिफिकली सारे, कोई भी आप हेड यूनिट यूज़ कर सकते हो इन ऐप के साथ और DSP का मज़ा ले सकते हो। कहीं ना कहीं मैं अब नेक्स्ट वीडियोस में प्रॉपर जितने भी इनके फंक्शंस है उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कई लोग होते हैं कि इनको सीधा रेडी टू ईट, मतलब कि बना बनाया चाहिए सारा पकान पकून। तो मैं मेरे चैनल पर आपको मिलेगा, थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे वीडियो देखने के और थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसके बाद में आपको ये बहुत इजी लगने लग जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सेफ ड्राइव, और कुछ रह गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर अप कर देता हूँ कहीं ना कहीं। तो बाय बाय, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और उसके आगे लगे बेल आइकन को भी दबा देना। अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं ऐसे ही मैं लाता रहूँगा। बाय बाय एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। बाय बाय।